हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नितिन। यहां पढ़ते हैं बीए बीएससी सेमेस्टर वन की मैथमेटिक्स, जिसमें हम आज से अपना नया चैप्टर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। तो देखो यार, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी फंक्शन को बार बार डिफरेंशिएट करना। जैसे हमको क्या दिया रहता है, वाई इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन दिए रहते हैं। हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल से बात करते हैं। जैसे हमारे पास दिया है वाई इक्वल टू 3x³ प्लस 2x² प्लस 7x प्लस 9 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो यार, जब y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन डिफाइंड होता है, तो जब हम dy by dx करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कोफिशियंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्योंकि हमने सिर्फ एक बार किया है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशियंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 3 × 3 = 9x² प्लस 4x प्लस 7 आएगा। अगर हम क्या करें, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करें, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, d अपॉन dx ऑफ dy by dx। इसको हम क्या लिख सकते हैं, d2y अपॉन dx² लिख सकते हैं। मतलब सेकेंड डिफरेंशियल कोफिशियंट ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या करेंगे हम, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या आएगा, 18x प्लस 4, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे, थोड़ा सा पहले ऊपर जगह बना लें, उसको देखो यार, हम लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ d2y अपॉन dx² इसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको हम क्या लिख सकते हैं, d3y अपॉन dx³ लिख सकते हैं। कितना आएगा, ये सिर्फ 18 आएगा। तो देखो यार, इसके बाद अब सब जितने भी डिफरेंशिएशन होंगे, फोर्थ फिफ्थ सिक्स कोफिशिएंट वाले जीरो आएंगे, क्योंकि हमको एक कांस्टेंट नंबर मिल गया है, ठीक है। तुम अपनी कहानी यहीं पे रोक देते हैं। तो देखो, जो हमने फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, ये जो डिफरेंशिएशन किया, इसी को हम बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। बार बार किसी फंक्शन को, y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन को क्या करना, डिफरेंशिएट करना, क्या कहलाता है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहलाता है। जैसे बात करें एक और एग्जाम्पल, y इक्वल टू एक्स के पावर n का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक दो बार डिफरेंशिएट करते हैं। पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, dy by dx, वो कितना आएगा, x के पावर n का क्या होता है, n x के पावर n माइनस 1 होता है। डिफरेंशिएशन सबको आता है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट डिफरेंशिएशन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। एक बार और डिफरेंशिएट करो, उसको क्या बोलेंगे, d2y अपॉन dx² सेकेंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, वो कितना आएगा, n इनटू में n माइनस 1 इनटू x के पावर n माइनस 2 आएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार और करो, इसको क्या बोलेंगे, d3y अपॉन dx³, वो कितना आएगा, n माइनस 1 n माइनस 2 x के पावर n माइनस 3 हो गया। ऐसे ही हम डॉट 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 क्या करते जाए, इसके यंट टर्म का डिफरेंशिएशन लिखे, क्या लिखे, यंट टर्म का डिफरेंशिएशन। तो वो कैसे लिखा आएगा, डी एन वाई अपॉन डी एक्स के पावर n, ठीक है। दिख रहा है नीचे, नहीं दिख रहा है क्या, चलो दिख रहा है, थोड़ा तो ऊपर लिख दिया जाए, चलो ठीक है। चलो उसके n टर्म का डिफरेंशिएशन यहाँ लिख रहा है, डी एन वाई अपॉन डी एक्स के पावर n। उसको हम क्या फर्दर लिख सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी के पावर n माइनस 1 वाई अपॉन x के पावर n माइनस 1। ये सब आप सभी को मालूम है, जब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम होता है, तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। यहाँ पे d का पावर 1 है, यहाँ पे d का पावर n माइनस 1 है, तो 1 प्लस n माइनस 1 करोगे तो n 1 1 कैंसिल, बचेगा क्या, n बचेगा, वही यहाँ पे n लिखा हुआ है। यहाँ पे भी वही होगा, जब ये अंदर वाला इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो यहाँ पे x बेस सेम होता है, तो पावर क्या होता है, ऐड होता है मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे प्लस n माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, यहाँ पे भी n बचा, ठीक है।
ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यंथ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, देखो यार, ये जो डी बाई डी एक्स हम लिखते हैं, इसको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर में हम जनरली डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी होता है डिफरेंशिएशन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक है, इसका मतलब भी सेम ही होता है, या आप डी बाई डी एक्स लिखो या आप कैपिटल डी लिखो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। डी बाई डी एक्स को हम क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डी टू वाई। ठीक है, डी टू वाई, डी टू लिख दिया तो क्या लिख दिया हमने, डी टू अपार डी एक्स स्क्वायर लिख दिया। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डी थ्री वाई। डी थ्री का मतलब ये डी थ्री अपान डी एक्स क्यूब। ठीक है, डी थ्री वाई, थर्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको देखो यार, डी एन अपान वाई, क्या लिखा हुआ है, डी एन वाई अपान डी एक्स के पावर एन लिखा हुआ है। इसको आप कैसे लिखोगे, डी एन वाई। ठीक है, डी एन वाई से लिख सकते हो। इसको लिखना चाहो तो इसको कैसे लिखोगे, इसको भी वही लगाओगे, यहाँ पे कर दोगे क्या, डी कर दोगे, यहाँ पे डी कर दोगे, और बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, यही सब बुक में आपको दिया हुआ है। ठीक है, इनको नोट करो, थोड़े आगे की बात करते हैं। अब देखो, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को हम अलग अलग तरह से लिख सकते हैं। कब, इफ वाई इक्वल टू एफ एक्स बी फंक्शन ऑफ एक्स, देन द वेरियस वे ऑफ राइटिंग द सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट ऑफ वाई आर एज फॉलो। ठीक है, जब वाई इक्वल टू एफ एक्स कोई एक्स का फंक्शन हो, तब हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ऑफ वाई ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स लिखोगे, दो बार करोगे तो डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर करोगे, तीन बार करोगे तो डी थ्री वाई अपन डी एक्स क्यूब लिखोगे, एन बार करोगे तो डी एन वाई अपन डी एक्स के पावर एन लिखोगे। डी वाई डी एक्स को हम कैपिटल डी से रिप्लेस कर सकते हैं, अभी हमने पढ़ा, तो हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे डी वाई डी एक्स लिखा हुआ है वहां पे कैपिटल डी रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे डी बाई डी एक्स है तो डी वन वाई आ गया, यहाँ पे डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे डी टू वाई आ गया। डी टू वाई का मतलब दो बार डिफरेंशिएशन किया गया, किसका, वाई का, किसके रिस्पेक्ट में, यस के रिस्पेक्ट में। डी एन वाई का मतलब वाई का एन बार डिफरेंशिएशन किया गया यक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, उसी को आप कैसे लिख सकते हो, फर्स्ट डिफरेंशिएशन को वाई वन, सेकेंड डिफरेंशिएशन को वाई टू, थर्ड डिफरेंशिएशन को वाई थ्री। देखो यार, ये सब होता एक ही है, करना क्या है, डिफरेंशिएशन, बस अलग अलग लिखने का तरीका है। ठीक है, या तो आप ऐसे लिख सकते हो, एक बार डिफरेंशिएशन करना है तो वाई डैश लिख दो, दो बार डिफरेंशिएशन अगर आपने किया तो वाई डबल डैश लिख दो, अगर किसी फंक्शन का आपने तीन बार डिफरेंशिएशन किया तो वाई ट्रिपल डैश लिख दो। ठीक है, अगर आप वाई इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो वैसे लिखो, कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है तो अगर आप उसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो आप एफ डैश एक्स लिखो, दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डबल डैश एक्स लिखो, तीन बार करोगे तो एफ ट्रिपल डैश एक्स लिखो, एन बार करोगे तो एफ के पावर एन बार डिफरेंशिएट करो। ठीक है, सब करना क्या है, सब करना एक ही है, चाहे इससे करो, चाहे इससे, चाहे इससे, चाहे इससे, बस लिखने का अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, देखो इसके बाद क्या हुआ है, बुक में एक लाइन दी हुई है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसको पहले थोड़ा सा नोट कर लो। तो देखो यार, बुक में लिखा हुआ है, इफ वाई इक्वल टू एफ एक्स देन यंथ डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट ऑफ वाई आर इज द एन प्लस आर्थ डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट ऑफ वाई। देखो यार, एग्जाम्पल से समझते हैं और कंपेयर करके समझते हैं। हमको दिया हुआ है कोई फंक्शन वाई इक्वल टू एक्स के पावर सिक्स। ठीक है, तो क्या मिल गया हमको, वाई इक्वल टू एफ एक्स सिक्स फंक्शन मिल गया। देन nth डिफरेंशिएशन हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए सेकेंड डिफरेंशिएशन का बात कर रहे हैं, हम सेकेंड डिफरेंशिएशन कोफिशियंट निकालेंगे किसका, y3 का सेकेंड डिफरेंशिएशन। देखो पहले हम क्या करेंगे, y1 करेंगे पहला डिफरेंशिएशन, y2 करेंगे तो सेकेंड डिफरेंशिएशन, y3 करेंगे तो थर्ड डिफरेंशिएशन आ गया। अब थर्ड डिफरेंशिएशन का हम दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे, ये जब हम y3 निकाल लेंगे उसको हम कोई a मान लेंगे। ठीक है, a यहाँ पे यूज नहीं हुआ है ना, नहीं हुआ है, उसको कोई a मान लेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जब हम y को एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो y1 आता है, दो बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो y2 आता है,
तीन बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो वाई थ्री आता है। तो एक को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, ए वन आएगा। दो बार करोगे तो ए टू आएगा। तो बात क्या कर रहा है, यंथ डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट ऑफ वाई, मतलब ये वाला डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट किसका, वाई थ्री का। इस वाले एग्जाम्पल में वो किसके बराबर होगा, n प्लस आर डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट ऑफ y। n प्लस आर कितना है, n का वैल्यू 2 है, r का वैल्यू कितना है 3 है, कितना आया पांचवा टर्म, वो किसके बराबर होगा, किसका, सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y 3, मतलब ये किसके बराबर होगा, पांचवें टर्म, पांचवें डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y के बराबर होगा। अभी ऐसे अब समझ में अगर नहीं आ रहा हो तो रुको, अभी सॉल्व करने दो, आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं बात किसका करना चाह रहा हूँ। ठीक है, y इक्वल टू x क्यूब है, x की पावर 6 है, सॉरी x की पावर 6 है। तो पहले y1 निकालो, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा 6x के पावर 5 आ गया। दो बार डिफरेंशिएट करो, सेकंड डिफरेंशिएशन y2 का मतलब सेकंड डिफरेंशिएशन, कितना आएगा 30x के पावर 4 आएगा। एक बार और डिफरेंशिएट करो, y3 निकालो, कितना आएगा 120x के पावर 3, ये आ गया। अब हमको क्या करना है, y3 का सेकंड डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, y3 को ये हमने क्या कर लिया, इसको इक्वल टू e मान लिया। ठीक है, अभी इसको यहीं पर आने देते हैं, पहले y4 और y5 भी निकाल लेते हैं, काम उसका जरूरी है। ठीक है, y4 निकालोगे तो कितना आएगा 360x स्क्वायर आएगा। y5 करोगे तो कितना आएगा, y5 का मतलब पांचवा बार डिफरेंशिएशन किसका, इसका, वो कितना आएगा 720x आएगा। नीचे दिख रहा है 720x, हाँ दिख रहा है, चलो ठीक है, हमने पांच बार कर लिया। और हमको निकालने क्या वाले थे, सेकंड डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, वो किसके बराबर होगा, फिफ्थ डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट ऑफ y के बराबर होगा। ठीक है, y इक्वल टू हम क्या लिए थे, x की पावर 6 लिए थे। तो पांचवा डिफरेंशिएशन ऑफ y कितना आ गया, ये आ गया 720x आ गया। तो इसका y3 का सेकंड डिफरेंशिएशन भी इसके बराबर होगा, यही ये लाइन बोलता है। तो देखो यार, इसको हमने a माना है ना, इसको हमने a माना है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, a1 निकालते हैं तो कितना आएगा 360x स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक बार और करते हैं, a2 करोगे तो कितना आएगा 720x आएगा। वही ये बात ये लाइन बोलता है, if y equal to fx, एग्जांपल के लिए हमने ये लिया, y equal to fx दिया हुआ है, then nth differentiation coefficient of y r, बेस में r है मतलब कोई टर्म की बात कर रही है। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल में किसकी बात की, y3 की बात की, तो r का वैल्यू हमने 3 लिया था। यंग की डिफरेंशिएशन मतलब हमने सेकंड डिफरेंशिएशन की बात की, यंग का वैल्यू हमने 2 लिया था। तो ये किसके बराबर होगा, यंग प्लस आर डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट ऑफ वाई के, यंग प्लस आर कितना आया 2, 3, 5, मतलब फिफ्थ डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट ऑफ वाई। फिफ्थ डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट ऑफ वाई कितना आया था 720x आया था, और वही किसके बराबर है, सेकंड डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट ऑफ वाई 3 के बराबर है। ठीक है, वाई 3 का सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कितना आया 720 आया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, चलो नोट करो। देखो यही बुक में आगे लिखा हुआ है, डी वाई आर हमने क्या एग्जांपल में लिया, डी वाई 3 सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई 3 का किसके बराबर होगा, फिफ्थ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई के। उसको या फिर ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, वही देखो लिखा हुआ है। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, कोई भी फंक्शन वाई इक्वल टू एफ एक्स डिफाइंड होगा, उसका वैल्यू एक्स इक्वल टू ए पे हम कैसे डिनोट करेंगे, उसको हम डिनोट करेंगे वाई एन, मतलब एन टाइम उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसमें एक्स का वैल्यू क्या रख देंगे, ए रख देंगे। ऐसे डिनोट करेंगे या कैसे डिनोट करेंगे, वाई एन ए, इसका मतलब भी वही होता है कि किसी भी y equal to fx function का n बार differentiation करने के बाद उसमें जो x का value बचेगा उसमें x की जगह a रख देंगे, या फिर ऐसे differentiation ऐसे denote करेंगे f के power n, उसका मतलब ये वही होता है y का n time differentiation, फिर जो value आया उसमें x की जगह a रख देना। ठीक है, ये सब बात normal है यार, आप 11 12 में बहुत बार ऐसा question किए होंगे। ठीक है,
बात करते हैं पहले एग्जांपल की। पहला एग्जांपल में क्या पूछ रहा है, फाइंड द सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ e की पावर 3x इनटू साइन 4x। ठीक है, तो आप सभी को मालूम है पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन d बाय dx करना पड़ेगा, किसका, e के पावर 3x और साइन 4x का। आप सभी को मालूम है जब दो चीज प्रोडक्ट में होती है तो उनको किसको फर्स्ट और किसको सेकंड फंक्शन हम मानते हैं, आईलेट के माध्यम से, आई एल ए टी ई। आई का मतलब क्या होता है, इनवर्स। अगर कोई इनवर्स फंक्शन होगा किसी प्रोडक्ट में तब डिफरेंशिएशन के टाइम उसको हम पहला फंक्शन मानते हैं, या फिर लॉगरिथमिक हो या एल्जेब्रिक हो या ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल। देखो यार प्रोडक्ट में तो दो ही चीज रहेंगे तो किसको फर्स्ट किसको सेकंड मानेंगे इससे डिपेंड होता है। ठीक है, देखो तो हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सा दिया हुआ है, एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक दिया हुआ है और एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक क्या आ रहा है, एक्सपोनेंशियल के पहले आ रहा है, तो ये क्या बनेगा आपका फर्स्ट फंक्शन बनेगा, ये क्या बन जाएगा सेकंड फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या होता है, पहले फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रखो साइन 4x, उसके बाद क्या करो डिफरेंशिएशन करो सेकंड फंक्शन का, e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e के पावर x होता है, d अपॉन dx ऑफ e के पावर x क्या होता है, e के पावर x, तो e के पावर 3x का क्या होगा, e के पावर 3x। अब क्या करेंगे हम, चेन रूल लगाएंगे, अब 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे, 3x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, 3 को यहाँ बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लस सेकंड फंक्शन कौन सा है, e के पावर 3x, e के पावर 3x वैसे का वैसा। अब डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, साइन 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos 4x साथ में क्या 4। ठीक है, साइन x का क्या होता है cos x हो गया, साइन x का मतलब cos x। अब उसके बाद अंदर जाके क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे, 4x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 4 आएगा, ये सब बात आपको 11 12 से आती होगी। ये क्या हो गया पहला डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड डिफरेंशिएशन आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहीं पे dy dx लगा लेते हैं, dy dx ऑफ इसका। ठीक है, तो क्या होगा, इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं, इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन में ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कर लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो क्या होगा d अपॉन dx ऑफ 3 कांस्टेंट है तो 3 को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, 3 बाहर निकल गया और कुछ कांस्टेंट नहीं है ना यहाँ पे, नहीं, साइन 4x इंटू e के पावर 3x, ये हो गया पहला हमारे पास। उसके बाद दूसरा क्या है, d अपॉन dx ऑफ कुछ कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, 4 को बाहर निकाल लो, e के पावर 3x साथ में cos 4x। ठीक है, तो देखो यार यहाँ पे 3 बाहर का बाहर ऐसे का ऐसे ही है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको पहला फंक्शन क्योंकि ये sin 4x है, और इसको e के पावर 3x को सेकंड फंक्शन। पहले क्या करेंगे, sin 4x को वैसे रखेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, e के पावर 3x का डिफरेंशिएशन, e के पावर 3x साथ में एक्स्ट्रा 3। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, सेकंड फंक्शन क्या है, e के पावर 3x, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं सिर्फ पहले वाले ब्रैकेट के। ठीक है, उसके बाद e के पावर 3x सेकंड फंक्शन को बाहर रखा, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे पहले फंक्शन का, sin 4x का डिफरेंशिएशन cos 4x साथ में क्या एक्स्ट्रा 4, ये क्या हो गया पहला ब्रैकेट का बात हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इनका। ठीक है, इसमें प्लस 4 एक कांस्टेंट है, उसको हम बाहर ही रख रहे हैं। ठीक है, 4 बाहर हो गया, उसके बाद क्या करेंगे हम, इसमें cos x पहला फंक्शन है और e के पावर 3x दूसरा फंक्शन है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, cos 4x को वैसे का वैसा ही रखेंगे, उसके बाद e के पावर 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आता है, e के पावर 3x साथ में एक्स्ट्रा 3। उसके बाद प्लस में क्या है, क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन को वैसे का वैसा रखेंगे, e के पावर 3x, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे पहले फंक्शन का, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x, तो माइनस sin 4x और क्या है 4x का डिफरेंशिएशन साथ में 4। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब बस कुछ नहीं करना, आपको ब्रैकेट ओपन करके सबको साथ में लिख देना है। ठीक है, तो देखो अब उसके बाद क्या होगा, थोड़ा सा जगह बना ले, अब क्या करते हैं पहले इसकी बात करते हैं, तो पहले 3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, ये 9 हो जाएगा,
क्या क्या आएगा, 9 sin 4x e के पावर 3x आएगा, और क्या आएगा, 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4 यहाँ पे 3 यहाँ पे, क्या हो जाएगा 12 e के पावर 3x cos 4x हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, 4 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, 12 e cos 4x e के पावर 3x। उसके बाद क्या बात करते हैं, देखो यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, बाहर जब ये माइनस हो जाएगा। अब क्या है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो 4 चौका 16 प्लस, सॉरी सॉरी प्लस नहीं माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है, माइनस 16 क्या क्या आएगा, e की पावर 3x और क्या आएगा साइन 4x आएगा, ठीक है। तो देखो यार ये बड़े से इक्वेशन में से हम क्या कर लेते हैं, e के पावर 3x को कॉमन निकाल लेते हैं, देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ठीक है हमने क्या किया, e के पावर 3x को कॉमन निकाल लिया, तो उसके बाद हमारे पास क्या बचा, 9 sin 4x और यहाँ पे क्या बचा, 12 cos 4x, यहाँ पे क्या बचा, 12 cos 4x, यहाँ पे क्या बचा, -16 sin 4x बचा। अब सिंपल सा देखो क्या क्या कट रहा है, यहाँ पे 9 sin 4x है, यहाँ पे -16 sin 4x है, तो क्या बचेगा, -7 बचेगा, और यहाँ पे 12 cos 4x है और यहाँ पे 12 cos 4x है, तो प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, ठीक है, तो e के पावर 3x इनटू में 24 cos 4x -7 sin 4x, ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। हमको दिया क्या है, इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो हमको प्रूफ क्या करना है, 1 - x² (y2) क्या है, सेकंड डिफरेंशिएशन। पहले क्लास में हमने देखा था कि हम d2y/dx² को ऐसे y2 से लिखते हैं, -x y1 क्या है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन, हम dy/dx को y1 से लिखते हैं, -2 = 0 हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो यार हमारे पास गिवन में क्या है, y = sin inverse x का होल स्क्वायर, पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के, ठीक है, तो हम x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dy/dx जिसको हम y1 से लिखते हैं, तो यहाँ पे y1 हो गया इक्वल टू, देखो ये लिखा क्या हुआ है, कुछ लिखा हुआ है x के पावर n के फॉर्म में, ठीक है, और n का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है, x की जगह पे क्या है, साइन इनवर्स x है, इसको भी साइन में रखे रहो, हमको क्या करना है, d/dx करना है x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर का कितना होता है, 2x होता है, तो पहले क्या आएगा, 2 और x की जगह पे क्या है, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, और देखो यार x तो था नहीं, x क्या था, साइन इनवर्स x था, तो क्या करेंगे, चेन रूल लगा के अंदर जाके साइन इनवर्स x को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो वो कितना आएगा, 1/√(1 - x²), साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 - साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√(1 - x²) होता है, ठीक है। चलो तो अब क्या करते हैं, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो √(1 - x²) इनटू में y1 इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, हम दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर करने पे क्या होगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड साइन क्या होगा, ये पहले रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 - x², साथ में क्या बचेगा, यहाँ पे y1 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। देखो यार हमने y = sin inverse x² पहले से ही लिया हुआ है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर की जगह हम y को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है, तो लिखोगे सिंस y = sin inverse x² वी हैव, क्या करना, वैल्यू को लिख देना, यहाँ पे 1 - x² था और क्या था,
वाई वन का होल स्क्वायर था इक्वल टू 4, और यहाँ पे क्या करना, y कर देना, क्योंकि हमने यहाँ पे y का इक्वल ले लिया है, ठीक है। अब क्या करना, इस 4y को इधर लेते हैं ना, तो 1 माइनस x स्क्वायर इंटू वाई वन का होल स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पे दोनों चीज प्रोडक्ट में है, तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक कैप क्लियर। तो देखो यार, इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं। तो पहले रूल क्या बोलता है, u को कांस्टेंट रखो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हो गया। क्या करो, v को डिफरेंशिएट करो। देखो ये क्या लिखा हुआ है, y, क्या लिखा था यार, y1 का होल स्क्वायर। पहले हमने u को कांस्टेंट रखा, अब क्या करेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे। v क्या दिया हुआ है, y1 का होल स्क्वायर, हमको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो देखो यार, y1 को हम क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स, तो मतलब ये लिखा क्या हुआ है, d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप सभी को एक बात सिंपली मालूम है कि d बाई डी एक्स ऑफ, अगर यहाँ पे कुछ भी के पावर n है तो वो क्या आता है, n साथ में कुछ भी, साथ में n माइनस वन, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, d बाई डी एक्स ऑफ, इसको मान लो क्या, कुछ भी, ठीक है। तो पहले क्या आएगा, पहले हमारे पास आएगा n, n क्या है, 2, तो 2 बाहर आया, उसके बाद कुछ भी आएगा, और कुछ भी के पावर n माइनस वन, 2 माइनस वन कितना हो गया, 1 हो गया। तो देखो यार, ये कुछ भी क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अगर यहाँ पे यक्स होता तो डी 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 अपॉन डी एक्स, अब यक्स के पावर एन कितना आता, एन यक्स के पावर एन माइनस वन। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये कुछ भी यक्स नहीं है, ये क्या है, कुछ भी डी वाई बाई डी एक्स है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, चेन रूल लगा के इस डी वाई बाई डी एक्स को एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा यक्स के रिस्पेक्ट में। तो वो क्या बनेगा, देखो ये डी डी क्या बन गया, डी टू वाई, और नीचे देखो डी एक्स डी एक्स क्या बन गया, डी एक्स स्क्वायर। इसको हम क्या बोलते हैं, वाई टू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेकेंड डिफरेंसिएशन। पहले हमने क्या किया, हमको ये दिया हुआ था, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, डी अपन डी एक्स, अब कुछ भी हो उसके पावर एन हो तो क्या आता है, एन, और कुछ भी के पावर एन माइनस वन। तो देखो इसको हमने क्या मान लिया, सपोज कर लो कुछ भी नंबर है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, पहले बाहर एन आएगा, एन कुछ भी के पावर एन माइनस वन, लेकिन वो कुछ भी क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है। अगर यक्स होता तो यहीं पे ये टर्म रुक जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, चेन रूल लगा के अंदर और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे किया था, या क्या था, साइन इनवर्स यक्स को हमने यक्स के पावर एन मान के सॉल्व किया, तो 2x आया, लेकिन यक्स क्या था, साइन इनवर्स यक्स था, तो उसको हमने चेन रूल लगा के अंदर भी साइन इनवर्स यक्स को डिफरेंशिएट किया, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया था। वैसे ही हमने जब इसको चेन रूल लगा के डिफरेंशिएट किया तो क्या आया, वाई टू आया। तो क्या क्या आया हमारे पास, 2 डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या लिखते हैं, वाई वन लिखते हैं। तो क्या आएगा, ये कांस्टेंट था, इसको डिफरेंशिएट कर रहे थे हम, तो हमारे पास क्या क्या आया, 2, इसको क्या बोलते हैं हम, वाई वन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, वाई टू बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, प्लस प्लस क्या आएगा, सेकेंड फंक्शन को कांस्टेंट रखो, मतलब भी को कांस्टेंट रखो, भी क्या है, वाई वन का स्क्वायर। अब क्या करो, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट फंक्शन क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो उसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, माइनस 2x आएगा। देखो डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन में अलग अलग हम कर सकते हैं, तो उसको क्या लिख लो, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 और माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो यार, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, और माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x, ठीक है। तो क्या आ गया, माइनस 2x, तो साथ में क्या है, माइनस 2x, तो यहाँ पे प्लस को माइनस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस 2x, और साथ में क्या, यहाँ पे लास्ट में बच रहा है, माइनस 4y का डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो
डी अपॉन डी एक्स ऑफ फोर वाई का करना है, तो फोर कांस्टेंट है उसको बाहर रख दो, और डी वाई बाय डी एक्स को हम क्या लिखते हैं, वाई वन लिखते हैं, तो माइनस फोर वाई वन इक्वल टू जीरो, यहाँ तक हमारे पास आ गया। अब देखो कुछ कॉमन मिल रहा है उसको निकालना है, टू वाई वन और यहाँ से टू वाई वन, सभी में से कॉमन निकालो, तो टू वाई वन यहाँ से कॉमन निकला, अंदर क्या बचा वन माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या ये तो टू वाई वन कॉमन निकल गया, वाई टू बचा, और क्या यहाँ पे माइनस यहाँ से एक टू और वाई वन कॉमन, तो यक्स वाई वन बचा, और यहाँ पे क्या बचा माइनस वाई वन कॉमन टू बचा इक्वल टू जीरो। तो देखो यार ये और ये इंटू इक्वल टू जीरो है, तो या फिर ये इक्वल टू जीरो होगा या फिर ये क्या होगा इक्वल टू जीरो होगा। देखो टू वाई वन मतलब वाई वन क्या है, वाई वन हमारा ये है, वाई वन क्या है हमारा ये है, जिसके में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है। डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं, नीचे वाला, ऊपर वाले का न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, तो आपका रूट का वैल्यू अगर डिनोमिनेटर में हो नीचे हो तो उसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो आता है, कभी भी जीरो नहीं आता अगर वो नीचे हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हम क्या बोल सकते हैं, सिंस टू वाई वन नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों नहीं इक्वल टू जीरो, क्योंकि वो वाई वन जो है उसके डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, रूट का वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ा होता है, सिंस टू वाई वन नॉट इक्वल टू जीरो हेंस हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ तक हो गया, इसको थोड़ा सा लिख लो, लास्ट आंसर लिखना है, हेंस वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। यही क्या करना था, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। इसको नोट करो, बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। तो तीसरे एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, इफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, वाई इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, हमको डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो पहले क्या करते हैं, हम डी एक्स का डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स कर लेते हैं किसके, थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो क्या है थीटा दिया हुआ है। तो देखो यार ए कांस्टेंट है तो उसको बाहर रहने दो, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, और हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, तो माइनस साइन थीटा, उसके बाद प्लस आया। देखो यहाँ पे दो चीज है, तो इसको यू मान लो इसको वी मान लो, तो पहले क्या करते हैं यू को बाहर रखते हैं, और किसका डिफरेंशिएशन करते हैं वी का, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, उसके बाद क्या आएगा प्लस, प्लस में क्या भी को बाहर रखो साइन थीटा, और क्या करो यू को डिफरेंशिएट करो, जब आप डी अपॉन डी थीटा ऑफ थीटा करोगे तो क्या आएगा वन आएगा, तो ये क्या बन गया वन, मतलब यहीं पे ये रुक गया, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा डी एक्स अपॉन डी थीटा का वैल्यू आ गया, कितना आ गया ये आया ए और साथ में माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा, मतलब यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास डी एक्स अपॉन डी थीटा का वैल्यू, डी एक्स अपॉन डी थीटा का वैल्यू बचा ए थीटा कॉस थीटा। उसके बाद क्या करते हैं डी वाई अपॉन डी थीटा निकाल लेते हैं, तो वाई हमारा कहाँ पर है यहाँ पे है, तो देखो ए को बाहर रहने दो, पहले क्या करेंगे साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, वो कितना आता है कॉस थीटा, उसके बाद माइनस साइन है, देखो यहाँ पे भी दो चीज है तो यहाँ पे भी यू और भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहले क्या करो यू को बाहर रखो भी को डिफरेंशिएट करो, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, उसके बाद प्लस, क्या करो भी को बाहर रखो भी क्या है कॉस थीटा, और क्या करो यू को डिफरेंशिएट करो, यू क्या है थीटा, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में वन आ गया, ठीक है। इसको और ओपन करते हैं तो क्या आएगा ए यहाँ पे कॉस थीटा और माइनस ये प्लस बन गया थीटा साइन थीटा, और क्या बचा माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस कॉस थीटा बन गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस कैंसिल हो गया कॉस थीटा, बचा क्या हमारे पास ए थीटा साइन थीटा। अब क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, ठीक है। देखो हमने क्या किया डी वाई बाई डी थीटा निकाल लिया, इसको डिवाइड कर देते हैं डी एक्स अपॉन डी थीटा से, देखो थीटा थीटा कैंसिल,
डीएक्स ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स। तो डी वाई का वैल्यू कितना है, ए थीटा साइन थीटा, और डी एक्स का वैल्यू कितना है, डी एक्स अपान डी थीटा का, ए थीटा कॉस थीटा। तो क्या हो गया, ए ए कैंसिल, थीटा थीटा कैंसिल, साइन थीटा अपन कॉस थीटा टेन थीटा आ गया। ये किसका अभी तक वैल्यू निकला है, पहले डिफरेंशिएशन का, क्योंकि हमने अभी डी एक्स अपान डी थीटा और डी वाई अपान डी थीटा निकाला है, लेकिन हमको निकालना क्या है, डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर निकालना है। मतलब इसको अगर एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो सेकंड डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर हमको निकालना है। इसको और क्या लिख सकते हैं हम, डी अपान डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स क्या है, टेन थीटा है। तो क्या लिखो, डी अपान डी एक्स ऑफ टेन थीटा। देखो यार, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे एक्स है, ये डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, तो क्या कर लेते हैं, ऊपर नीचे डी थीटा और डी थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या बनेगा, इस डी थीटा को यहाँ लाते हैं, डी एक्स को यहाँ लेते जाते हैं, ठीक है। तो देखो, ये डी अपॉन डी थीटा साथ में टेन थीटा को अलग कर लेते हैं, और डी थीटा अपॉन डी एक्स को अलग कर लेते हैं, ठीक है। देखो, यहाँ पे हमने dx अपान d थीटा निकाला हुआ है, इसको उल्टा कर दें तो d थीटा अपान dx का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो, dx अपान d थीटा ऑफ tan थीटा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, इनटू में d थीटा अपान dx का वैल्यू लिखना है, तो d थीटा अपान dx का मतलब 1 अपान a थीटा साथ में cos थीटा। तो देखो यार, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो ये कॉस ऊपर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेक थीटा, और यहाँ पे सेक स्क्वायर पहले से ही है तो क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा अपान ए थीटा, यही आपका आंसर है, ठीक है। चलो, इन दो क्वेश्चन के साथ इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की, तो गिवन क्या है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। Prove that d2p upon d theta ka whole square plus p is equal to a square b square upon p cube, ठीक है। तो हमारे पास given में क्या है, given में हमारे पास है p square is equal to a square cos square theta plus b square sin square theta। इसको equation number 1 बना लेते हैं। देखो यार, ये question लंबी भी है और लंबा भी, तो क्या करना, copy pen के रखे रहना, साथ साथ नोट भी करते रहना, क्योंकि ब्लैक बोर्ड छोटा है और क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम पहले डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के। तो यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा, पहले आएगा 2p, उसके बाद dp अपॉन d थीटा, और उसके बाद क्या करेंगे, राइट साइड में करेंगे। तो देखो यार, a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचा, d अपॉन d थीटा ऑफ किसका, कॉस स्क्वायर थीटा का। उसके बाद यहाँ पे क्या है, प्लस बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, डी अपॉन डी टी ऑफ डी थीटा ऑफ, क्योंकि हम थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको इन दो वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यार, ये आता है ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट था, और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा आता है माइनस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद प्लस बी स्क्वायर वैसे का वैसा ही था, अब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा आपका आता है टू साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। तो देखो यार, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, टू पी डी पी अपॉन डी थीटा है। हम क्या करते हैं, यहाँ भी टू है, यहाँ भी टू है, कॉमन निकाल के बाहर कर लिए, फिर क्या बचा, माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखो यार, दो यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो देखो, अब क्या करते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे, साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे, कॉमन निकाल लेते हैं, दिख रहा है नीचे, दिख रहा है। तो देखो क्या बचेगा हमारे पास,
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख रहा है, कॉमन निकाल लिया तो बचा हमारे पास, यहाँ पे बचा बी स्क्वायर और यहाँ से बचा माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को भी पी डी पी अपॉन डी थीटा लिख लिया जाए। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को थीटा के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। एक सेकेंड, तो क्या आएगा हमारे पास, तो देखो पहले यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा। तो देखो यार, यहाँ पे प्रोडक्ट में दो चीज लिखी हुई है, तो आपको मालूम है जब दो चीज प्रोडक्ट में लिखी होती है तो उनका डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, जब d/dt ऑफ u v लिखा हो तो क्या करेंगे, हम पहले u को बाहर रखेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर v प्लस v को बाहर करेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे, तो वही यहाँ पे हम करेंगे। नीचे दिख रहा है यहाँ पे क्या लिखा है, चलो इस लाइन को ऊपर लिखते, पहले लिखा था p dp अपान डी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू में क्या था, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था। ठीक है, तो देखो ये बन गया यू और ये बन गया भी। ठीक है, तो देखो दो फंक्शन हो गए यू भी, तो कैसे उनका डिफरेंशिएशन होता है, पहले यू को बाहर रखो, डिफरेंशिएशन किसका करो, भी का, दैट इज डी अपॉन डी थीटा ऑफ किसका, dp अपान डी थीटा का। उसके बाद क्या करते हैं, प्लस v को बाहर करते हैं, dp अपान डी थीटा को बाहर रखेंगे और क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, u का, u क्या है, p है, हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में चलते हैं, राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, ये है, तो इसको क्या कर लेते हैं, u मान लेते हैं और इसको क्या कर लेते हैं, v मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो पहले क्या करेंगे, u को बाहर रखेंगे, साइन थीटा बाहर हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो यार, डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट चीज तो नहीं आती, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो उसका कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, और उसके साथ में क्या है, मल्टीप्लाई में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज अ कॉन्स्टेंट प्लस, उसके बाद क्या करो, भी लिखो, भी क्या है, कॉस थीटा इनटू में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ यू, यू क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब पहले और अच्छे से लिख लिया जाए, ये क्या है पी और ये क्या है, थोड़ा सा पहले जगह भी बना लिया जाए। ठीक है, तो बस हो गया, ये हो गया पी और ये क्या बना, ये डी बन गया, डी टू पी अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर बन गया, प्लस ये क्या बना, डी पी अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर बन गया। उसके बाद क्या आया, इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साथ में क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसके बाद क्या है, प्लस कॉस थीटा क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा, साथ में क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यार, हम क्या कर रहे हैं, हम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को कॉमन निकाल के तब मल्टीप्लाई करेंगे। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, वही आंसर वही आएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया, बचा क्या हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा। अब क्या करते हैं, इन सबको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा विथ अ निगेटिव साइन, यहाँ पे निगेटिव है तो माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन गया। उसके बाद क्या है, माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद इसका जो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस और क्या बना, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन गया। उसके बाद क्या करते हैं, हम प्लस वाली साइन को अलग कर लेते हैं, माइनस वालों को अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर कॉस
स्क्वायर थीटा यहाँ से प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से कर लिया। उसके बाद यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं और सबको लिख देते हैं बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, प्लस में क्या आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास यही चल रहा है, ये वाला पी डी टू पी अपान डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी पी अपान डी थीटा का होल का स्क्वायर चल रहा था। तो देखो यार कुछ टाइम पहले हमने क्या किया था, इक्वेशन वन बनाया था, इक्वेशन वन को क्या लिखा था पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे पी स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। इतना तब तक नोट करो, थोड़ा सा इंक पिला दिया जाए मार्कल को। तो आगे की बात करते हैं, हमारे पास क्या है पी डी टू पी अपान डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी पी अपान डी थीटा का होल का स्क्वायर इक्वल था बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में क्या है इसको हमने पी स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया। और क्या करते हैं पी स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं और डी पी अपॉन डी थीटा के होल स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, ठीक है। होगा क्या इसको यहाँ से हम वहाँ भेजते हैं, उनको यहाँ से यहाँ लाते हैं। तो यहाँ पे माइनस पी स्क्वायर था तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आके प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या था प्लस डी पी अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर था तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस डी पी अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और देखो यार कुछ टाइम पहले हमने एक वैल्यू निकाली थी, क्या निकाली थी लोड करने दो एक सेकेंड कहाँ गया, हमने निकाला था पी डी पी अपान डी थीटा का वैल्यू, वो कितना था बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखो यार अब यहाँ से पी को निकाल के यहाँ में डिवाइड में ला दोगे तो ये किसका वैल्यू बन गया डी पी अपान डी थीटा है, सॉरी डी पी अपान डी थीटा का वैल्यू बन गया, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे उसके स्क्वायर का वैल्यू लिखना है, तो क्या करेंगे इसको सबको स्क्वायर करके यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले चलो यार हो जाता है, ठीक है। चल बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, उसके बाद क्या है माइनस डी पी अपॉन डी थीटा का वैल्यू यहाँ पे लिखा जाए, चलो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में क्या है साइन थीटा अप इंटू कॉस थीटा अपॉन पी, ठीक है। अब क्या करना हमको इसके स्क्वायर का वैल्यू लेना था तो यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो देखो लिखा क्या हुआ है, लिखा हुआ है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इन, उसके बाद क्या है माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन पी का स्क्वायर। अब क्या करते हैं पी स्क्वायर से का एलसीएम लेते हैं और क्या कर लेते हैं नीचे वाले पी स्क्वायर को साइड में लिख देते हैं, ठीक है। तो पहले एलसीएम लेंगे तो क्या होगा पी स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई में जाएगा, तो पहले यहाँ पे ही कर लेते हैं, यहाँ पे क्या आ गया पी स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ गया और पी स्क्वायर पूरे के नीचे आ जाएगा तब, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं जो जो आपका पी स्क्वायर है उसको यहाँ से निकाल के यहाँ पे अलग से रख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। बार बार हमको क्या करना पड़ेगा नीचे लिखना नहीं पड़ेगा, अलग से ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कुछ टाइम पहले हमें इक्वेशन फर्स्ट क्या बनाया था पी स्क्वायर का वैल्यू लिख के बनाया था, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे यहाँ ऊपर साइड क्या करते हैं पी स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, नीचे नहीं सिर्फ ऊपर साइड, ठीक है। तो क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड आपका अभी भी यहीं पर यही ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वही चल रहा है, ठीक है, यहीं पे रुका हुआ है। हम क्या कर रहे हैं अब सिर्फ राइट हैंड साइड के साथ खेलेंगे, तो वन अपॉन पी स्क्वायर है और पी स्क्वायर का वैल्यू क्या हमने कुछ टाइम पहले नहीं जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका पी स्क्वायर का वैल्यू। अब क्या करो, इनको लिखो, ये क्या है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया इधर का वैल्यू। अब क्या करो, इनको भी लिखो, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो यार, अब थोड़ा सा पहले ही जगह बना लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे जगह बना लेते हैं। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड अभी भी वही चल रहा है, राइट हैंड साइड में क्या आएगा, इक्वल टू वन अपान पी स्क्वायर, वैसे का वैसा। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो देखो यार, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस की पावर फोर थीटा मिलेगा। फिर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, ए के पावर फोर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या, प्लस प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई करो तो मिला बी के पावर फोर, और क्या मिला, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और क्या मिला, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया, साइन के पावर फोर थीटा बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे वाला भी बचा हुआ है, तो देखो ये नीचे वाला माइनस और ये वाला। देखो यार, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो देखो यार, ये दिया क्या हुआ है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। जैसे इसको ओपन करते हो, इसको ओपन कर दो, पहले किसका होता है, a माइनस बी होता है तो ए स्क्वायर होता है, तो b माइनस होता है तो बी स्क्वायर, बी स्क्वायर तो स्क्वायर तो पहले से ही है, तो b का स्क्वायर करो तो क्या बन जाएगा, b का पावर 4 बन जाएगा प्लस b स्क्वायर। तो b स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर तो पहले से ही है, तो क्या बन गया, a के पावर 4 माइनस 2 a b हो गया। ये क्या बन गया, इसका वैल्यू आया, इनका माइनस को छोड़ के, ठीक है, इनका वैल्यू निकला। इसके अंदर क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लिया जाए, चलो यहीं पे कर लेते हैं, वही भी हमको लिखना ही है, ठीक है। तो देखो यार, थोड़ा सा रुको, ये आपका ये था, और आपके साथ क्या है, बी के पावर फोर प्लस ए के पावर फोर माइनस टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। चलो तो क्या करते हैं, लिखा जाए। तो देखो यहाँ पे माइनस का साइन बाहर था, बी के पावर फोर को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, बी के पावर फोर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। फिर ए के पावर फोर को मल्टीप्लाई करो, अब क्या बना, प्लस ए स्क्वायर ए के पावर फोर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस बी टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट को खोल देते हैं, जिससे क्या होंगे, कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो वन अपन पी स्क्वायर है हमारे पास, और क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस के पावर फोर थीटा प्लस ए स्क्वायर सॉरी ए के पावर फोर है कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी के पावर फोर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन के पावर फोर थीटा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या मिला, माइनस बी के पावर फोर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या मिला, माइनस
की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई किए हो तो ये क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे, प्लस 2b स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो यार, यहाँ पे ये वाला टर्म पॉजिटिव में और ये वाला टर्म निगेटिव में कैंसिल हो गया, b स्क्वायर सॉरी b के पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे a के पावर 4 साइन थीटा सॉरी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और a के पावर 4 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा पॉजिटिव साइन के साथ, ये निगेटिव साइन के साथ कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, अब हमारे पास बचा है, ऊपर लिखे, चलो ऊपर लिखते हैं, नीचे थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड का दिक्कत है, ठीक है, थोड़ा सा साइज में छोटा है। तो 1/p² हमारे पास है, क्या क्या बचा, a स्क्वायर b स्क्वायर cos के पावर 4 थीटा प्लस a, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये बचा a स्क्वायर b स्क्वायर sin के पावर 4 थीटा, और क्या बचा, ये कैंसिल ये बचा प्लस 2b स्क्वायर a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो देखो यार, हर जगह आपको a स्क्वायर b स्क्वायर तीनों टर्म में लिखा हुआ है, तो उसको क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन निकला, a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर चल रहा है, और क्या क्या बचा, अंदर बचा हमारे पास cos के पावर 4 थीटा प्लस sin के पावर 4 थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखो यार, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर हम आपसे पूछें sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर भूल गया था फिर से, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो वो क्या होगा, ए स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्या बन गया, साइन के पावर 4 थीटा प्लस बी स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, क्या बन गया, कॉस के पावर 4 थीटा, उसके बाद प्लस 2ab, ab क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बन गया, ठीक है। तो देखो यार, ये जो टर्म है यही तो लिखा हुआ है अंदर, वही ना लिखा हुआ है, साइन के पावर 4 थीटा कॉस के पावर 4 थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या करते हैं, अंदर को बदल देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इस अंदर को मिटा दिए हम, और क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो क्या हो गया, ये फर्दर गायब होके 1 का स्क्वायर बन गया, 1 का स्क्वायर का मतलब 1, क्या बन गया, सिंपल सा ये बचा। तो हमारे पास है क्या, पी डी टू पी अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इक्वल टू ये आया। अब क्या करते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय p, दोनों साइड को क्या करते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय p, p से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पहले यहां पे डिवाइड करोगे तो ये p कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, d टू p अपॉन d थीटा का होल सॉरी d थीटा का स्क्वायर बचेगा, डब्बा कौन बना दिया, चलो हो जाता है, ठीक है, चलो d थीटा का होल स्क्वायर बन गया। उसके बाद क्या है, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो एक p कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे डिवाइड करोगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर अपन p क्यूब आ जाएगा, यही तो हमको प्रूफ करना था, हो गया, चलो तो चलो बहुत बार हो जाती है चलो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।